देवकी उस बेटा को मांस के लोथड़ों को गोदी में रख करके रोने लगी। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, इसी प्रकार से देवकी के 6 बालक खत्म किए हैं भोजराज कंस ने। जब 7वें गर्भ का नंबर आया, योग माया ने खेल दिखाया, देवकी के गर्भ से निकाल करके रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कर दिया। वल्लाम नाम का बालक पैदा हुआ। कंस को खबर भिजवा दी कि देवकी का 7वां गर्भ खंडित हो गया। अब 8वें गर्भ की बारी है। आज मुरली मनोहर योगी राज कृष्ण आ रहे हैं। बोली सच्चे दरबार की, इधर 8वें गर्भ की बारी है। हुआ क्या? गर्भ का नंबर है। भोजराज कंस ने क्या किया कि वसुदेव देवकी को 8-8 दिन की रोटियां पानी में भिगो कर खिलाने लगा। क्यों? क्योंकि जो काल पैदा होगा वो कहीं बलवान पैदा ना हो जाए। जहां जेल पर 2-2 ताले लगे थे, वहां पर 4-4 पहरे ताले लगवा दिए। जहां पर 4-4 पहरेदार खड़े थे, वहां पर 8-8 पहरेदार खड़े कर दिए। जवाब दिया कि कोई सो मत जाना। धीरे 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 समय गुजरता चला गया। भादों का महीना है, तिथि 8 है, दिन बुधवार है, आधी रात का समय है। आकाश में काले काले बादल हो रहे हैं, बड़ी तेजी से बारिश हो रही है। हुआ क्या?